सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का निजीकरण किए जाने के विरोध में कर्मचारियों ने काली पट्टी बांधकर गाजियाबाद स्थित सीईएल के गेट के पास पकौड़े बनाकर बेचे। निजीकरण के विरोध में अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे कर्मचारियों ने अपना रोष भी जाहिर किया। दरअसल केंद्र सरकार सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का निजीकरण करने जा रही है। इसके लिए बिड करने की आखिरी तारीख 20 अक्टूबर तय की गई है। इसके बाद 1000 से ज्यादा कर्मचारियों के सामने जीवन यापन का संकट गहरा जाएगा। निजीकरण के विरोध में कर्मचारी केंद्रीय मंत्री और राज्य मंत्रियों से भी मुलाकात कर चुके हैं, लेकिन अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। हम सब 1000 परिवार जो इसमें काम करते हैं उनके लिए, क्योंकि 1000 परिवारों को पालना छोटी बात नहीं है, और इसमें सिर्फ इस इलाके के जो मजदूर हैं और जो हमारे छोटे भाई बहन हैं और जो हमारे जो है डेली वेज हैं, वो सिर्फ इस इलाके के गांव-गांव से आते हैं यहाँ काम करने के लिए। ये बड़े दुख की बात है कि मोदी सरकार सुन नहीं रही है। CEL 44 साल पुरानी कंपनी है। ये रेलवे की सेफ्टी कंट्रोल यूनिट्स को डेवलप करते हैं। गाजियाबाद स्थित CEL में करीब 1000 कर्मचारी काम करते हैं।